गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं। देख सकते हैं आप, आज एसी इंस्टॉल करेंगे जो 5 स्टार एसी है सैमसंग का। हाँ, जो इन्वर्टर मॉडल है, जो 5 स्टार मॉडल है। यहाँ से देख सकते हैं, आपको इंडोर आपको दिखा दिया हूँ, ये आउटडोर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो 5 स्टार का आउटडोर है। और कैसे इंस्टॉल करेंगे वो सब कुछ बताऊँगा वीडियो में। पहले आपको ये वाला सब कुछ दे आपके पास रखना है, जैसे स्टूल, उसके बाद आपको इंस्टॉल करने के लिए जाना है। ओके, वीडियो को देख से आप पहली बार आए, सब्सक्राइब करना, घंटे को दबा देना। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टूल आपके पास रहना चाहिए, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ काम लगेगा। पहले आपको क्या करना है, उसको इंडोर को खोल देना है। इंडोर से आपको एक ऐसा प्लेट मिल जाएगा जो कागज, उसके अंदर में एक बैटरी रहता है, और थोड़ा आगे में देखिए यहाँ से उसका रिमोट रहता है। उसका देख सकते हैं 5 स्टार, जो उसका क्वालिटी अच्छा है, और 5 स्टार जो इन्वर्टर जो एसी है वो सबसे अच्छा है। क्या, क्योंकि ये वाला एसी सबसे लंबा दिया है, और 1 टन 1.5 टन का ये एसी है, सबसे अच्छा एसी है। एक रूम के लिए अच्छा है 1.5 टन। बाकी ये वाला 5 स्टार है, सबसे अच्छा कूलिंग देता है, और प्रॉब्लम भी ठीक ठाक रहता है। बाकी ये पहले ये देखिए, उसका जो वायर है कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से कनेक्शन करने से आपको रेड और ब्लैक दिया है, उसका नंबर लिखा होगा, देखिए LL ऐसा लिखा होगा। आपको इसे करके वो कनेक्ट कर देना है, दो साइड में दो में दिया है पहले उसको। उसके बाद उसका स्टैंड वाटर लोग चेक करके स्टैंड लगा देना है। उसके बाद उसका साइड में 3 इंच छोड़ के, मैंने जैसे आपका उसको माप के आपको होल्ड कर देना है। उसके बाद में उसको इंस्टॉलेशन हो गया है। उसके बाद वो नीचे से वो पाइप कनेक्ट करना है, जो पहले ऐसे ही ये वाला जो पाइप है अंदर से रहता है, जो पाइप पहले जो बाहर बाहरेगा, उसके बाद उसको टाइट कनेक्ट करना है। उसके बाद उसको पाइप को लेकर आए, यहाँ से उसको कस्टमर जो स्टैंड नहीं लगाया है यहाँ से नीचे रख दिया है। देख सकते हैं मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट आउटडोर में कर रहा हूँ। जो यहाँ से वीडियो में एक बात आपको नहीं बताया हूँ, जैसे ये पाइप कैसे कनेक्ट करना है। जो पहले जो कनेक्ट करते हैं, जो इंडोर से आउटडोर कैसे कनेक्ट करते हैं, जो पाइप है अंदर से वो कनेक्ट में अंदर से कर दिया हूँ, इसलिए आपको नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। और यदि ये वाला वीडियो आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा से बना दूंगा। पहले आपको थर्सी लगा देना है, जैसे मैं लगा दिया हूँ। थर्सी लगाने से बाद आपको यहाँ से देखिए अंदर से क्लिप होगा, उसको निकाल देना है, दो में दो लगाना है। एक पाइप रहता है सक्शन का, और रहता है चार्जिंग का पाइप रहता है। पहले अब मैं सैमसंग का पाइप को टाइट कर देता हूँ। सक्शन पाइप में अभी टाइट हो गया, देख सकते हैं। पहले हाथ में टाइट करना है ठीक से, जो टाइट होगा सबसे अच्छा कनेक्ट होगा। बाकी आपको थ्रेड सील लगाना है, थ्रेड सील नहीं लगाने से आपका लीकेज वाला इशू आ सकता है। ओके, उसके बाद में अभी सिलाई रेंज में उसको टाइट करना है। ऐसे करके आपको टाइट कर देना है, फुल टाइट करना है। जितना बॉल खाया है आप उतना स्पीड से टाइट करना है। जैसे भी हार मान दिए हैं तो आपको ये एक बात कर देना है, हर हर महादेव करके भी टाइट कर सकते हैं, जो कभी भी लीकेज नहीं होगा। मैं तो वही बात करता हूँ, मैं लास्ट में वही वाला बात करता हूँ, हर हर महादेव करके टाइट मारता हूँ। आप भी सोचिए, आप टाइट कर देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी चार्जिंग पाइप भी हो गया टाइट। उसके बाद यहाँ से आपको पहला नीचे वाला आपको दो तार आया होगा कनेक्शन के लिए, आउटडोर और इंडोर कनेक्शन के लिए। यहाँ से डायरेक्ट आएगा जो कनेक्शन जो करंट हो, यहाँ से 5 स्टार में आपको 5 मीटर तार लगेगा, जो एक्स्ट्रा आपको जहाँ भी लगा होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। देखिए ये वाला दो तार है आपको एक्स्ट्रा किनना पड़ता है, और दूसरा दो तार आपको
कंपनी ने दिया है फ्री में। यहाँ से वो ये वाला 23 दिन नोट मतलब खोलना है, उसके बाद यहाँ से गैस से आप कर सकते हैं। जैसे पास आपको यहाँ से मैं 3 लॉट खोल देता हूँ, उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको यहाँ से भीकुम करने से अच्छा होता है। यहाँ से मैं भीकुम नहीं लेके आया हूँ। ओके यहाँ से मैं यहाँ से सेल्फ वैक्यूम कर देता हूँ। जैसे सेल्फ वैक्यूम करने के लिए आपको जैसे चार्जिंग पाइप को थोड़ा करके छोड़ना है, जैसे मैं छोड़ूंगा अभी। देखिए एलएनकी वो आना है यहाँ से, 4 वाला एलएनकी लगता है यहाँ से। देखिए थोड़ा ऐसे छोड़ के मैं बंद कर दिया हूँ यहाँ से। उसके बाद लीकेज चेक करना है मुझको, जैसे लीकेज होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा जो उसका। अब जैसे आपका शैम्पू बस सर्व लगाया है ना आपका पास जो फॉर्म से लगाया है, तो जो जैसा जहाँ से लीकेज होगा तो बेलूम वाला खोल लेगा, तो उसके बाद आपको वहीं से पता चल जाएगा जी वो लीकेज है। यहाँ से ये वाला भी नीचे वाला मैं कनेक्ट देखता हूँ चेक करके, उसके बाद यहाँ से मैं देख दिया हूँ। उसके बाद ये जितना अभी गैस आपको छोड़े थे उसको रिटर्न आया कि नहीं है उसको देखना है सक्शन पाइप में। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखिए कि मैं देख रहा हूँ तो ठीक ठाक आ गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से मैं वो छोड़ देता हूँ। यह है आपका हो गया सेल्फ वैक्यूम। ऐसे ही आप सेल्फ वैक्यूम भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, जो कि वैक्यूम करने से अच्छा रहता है जो आपके लिए, मैंने सेल्फ वैक्यूम करने से प्रॉब्लम रहता है, बाकी वैक्यूम करने से अच्छा रहता है जो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। सेल्फ वैक्यूम करने से एक प्रॉब्लम पहले आता है जो एरर आता है 101, जो गैस लीकेज का एरर आता है, कुछ भी एरर आता है। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉलेशन हो गया, और यदि आपका पास वैक्यूम है तो वैक्यूम करके भी कर सकते हैं। यहाँ से यो जीरो करने के लिए बाद यहाँ से मेरा काम हो गया ख़त्म। उसके बाद मैं यहाँ से ऑन करता हूँ एसी को, रिमोट बार यहाँ से ऑन हो गया एसी, देख सकते हैं। यहाँ से रिमोट में आपको मारना है थोड़ा, 24 में ऑन कर देना है, जो 24 में ऑन कर देना है, जो पहले वाला ऑप्शन वो मोड और ए पावर सेट मोड, मोड इस तीन मोड, मोड को डायरेक्ट सेट, तीन टॉपिक रखो, तीनों को दबा रखो, दबाना है, दबा के रखना है 3 सेकंड। जैसे ही ओपन करेंगे 3 सेकंड दबाएंगे, उसके बाद यहाँ से 0 आएगा। जैसे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपका 3 स्टार का होगा तो पहले से 0 से काम चला आरंभ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक आ जाएगा। बाकी जैसे 5 स्टार रहता है, इंडोर से आउटडोर आता है जो उसका तार, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट बाहर से चलेगा, पहले आउटडोर चलेगा तो आप इंडोर में आएगा, ऐसा ही होता है। यहाँ से इंडोर ही पहले चलता है, उसके बाद आउटडोर आपका नंबर ऑटोमेटिक चलेगा, ठंडा डायरेक्ट आएगा। यहाँ से अभी तक नहीं आया है, थोड़ा टाइम वेट करता हूँ, यहाँ से आ गया है, थोड़ा टाइम वेट करने बाद वो आ गया है। मैं यहाँ से आया ऊपर आया हूँ, एसी को चेक करता हूँ, यहाँ से आउटडोर में आ रहा है। यहाँ से देखिए जो चार्जिंग पाइप है ठंडा हो रहा है, और आउटडोर सक्शन पाइप ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ दोबारा से, यहाँ से आ गया हूँ, यहाँ से 92 हो गया है, 93 हो गया है, जैसे 99 हो जाता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम होता है जो अंदर से कुछ भी एरर आता है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम रहता है इससे अंदर में 99 में आपका एरर आता है, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो अभी ऐसे भी जान सकते हैं। आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिए, ऐसे भी आपको जो बटन बताया हूँ आगे मैं वीडियो में बताता हूँ, आगे मैं वीडियो में बनाया हूँ, ऐसे ही आप कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 499 का ऑफर चल रहा है, जिसे इंस्टॉल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये वाला वीडियो देख सकते हैं कैसे सेट कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ओके आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ये वीडियो में लास्ट में देखिए, आपको सब कुछ वही सब कुछ बेहतर वीडियो में बताऊंगा। ओके बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं।
ड्यूरिंग द स्मार्ट इंस्टॉलेशन ऑपरेशन रिमोट कंट्रोलर कैन नॉट बी ऑपरेटेड। यहां से आपको आगे में वीडियो में देखिए, आपका रिमोट में सब कुछ बता चला जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट ऑन द इंडोर यूनिट विल ब्लिंक इन सीक्वेंस एंड देन ऑल इंडिकेटर्स विल ब्लिंक रिपीटेटिवली। If air conditioner has 7-digit display, then numbers from 0 till 99 will be displayed on the indoor unit during smart installation operation. Smart installation mode will take approximately 7 to 13 minutes, whereas actual time may differ depending on the model. If the operation is successful, smart installation mode will end up with the ringing sound. And air conditioner will be in standby mode. And we will be able to operate the unit by remote controller or by using buttons located below the indoor unit. These are various errors that can appear after unsuccessful operation. And if the operation is unsuccessful, then the smart installation mode will end and an error message will be displayed on the indoor unit LED display, like LED 2 and LED 3 are blinking. Blinking of LED 2 and LED 3 is related to communication error between indoor unit and outdoor unit in A3050 inverter series. So let's check the communication wire connection. Communication wire F2 is not connected in outdoor unit. By the upper shocker button, we can easily control the temperature of our air conditioner, control the timer, as well as change the operation mode. This small yet powerful tool comes with many functions that can increase your comfort at home. So with this video, we will understand the remote control features of Samsung Bora K series inverter air conditioner. Make sure to insert the batteries properly. Start-stop button. This button is used to turn on or turn off the air conditioner. Cool mode. Use cool mode to stay cool in hot weather. After selecting the cool mode, adjust the temperature and fan speed as per your preference. Two-step cooling function. It will cool down the room temperature fast to reach the desired temperature. It will adjust the fan speed and airflow direction automatically to help you stay comfortable and refreshing. Comfort function. This function not only provides powerful cooling but automatically adjusts humidity so that you are cool and comfortable. Quiet function. Use this function to reduce air conditioner noise. Dry mode. Use this mode in rainy or humid weather. Auto mode. Use this mode when you want the air conditioner to automatically control the operation. Fan mode. Use this button to adjust the fan speed. There are four options available to control the speed in it. That is low, medium, high and auto. Timed on or timed off function. Through this mode, you can set the air conditioner to turn on or turn off automatically at the desired time. So, you have just got to know about the features of Samsung Bora K series.